और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महापौर की महापरीक्षा की बात होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि निकाय के इस रण में आखिर महापौर की महापरीक्षा किस तरीके से चल रही है। बात सबसे पहले बरेली की, जहां पर मेयर उम्मीदवारों ने महापौर की महापरीक्षा जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक तरफ तो भाजपा के दिग्गज मैदान में उतरे हैं, तो दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी का टिकट काटने के बाद निर्दलीय IAS तोमर के लिए निकाय के संग्राम में जी जान से जुट गए। निकाय संग्राम के पहले चरण का शोर थम गया है, लेकिन दूसरे चरण का सियासी शोर शबाब पर है। बरेली में सियासी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उमेश गौतम के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्या मंत्री, क्या सांसद और क्या विधायक, सभी ने उमेश गौतम की जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गली गली ढोल नगाड़ों के साथ प्रचार में जुटे हैं। उमेश गौतम के लिए वन मंत्री अरुण कुमार, सांसद संतोष गंगवार और कई विधायक मैदान में उतरे हैं और भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। जन समर्थन में एक बहुत उत्साह है। आदमी मोदी योगी के नाम पे हर तरह से वोट देने को तैयार है और कह रहा है हम वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा के कामयाब बनाएंगे। पर इसके बाद भी माहौल आप देख रहे हैं कि लोगों की रुचि भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी जी में है, उसका परिणाम यहाँ पर संपर्क में समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि एक आशा के विपरीत यहाँ पर सीटें भी मिलेंगी और मेयर भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि लोग योगी और मोदी जी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं कि वो एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं भाजपा के मेयर प्रत्याशी उमेश गौतम ने भी दावा किया है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो जनता की हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और बरेली में विकास की गति को और रफ्तार देंगे। देखिए, मुझे IMA का भी कल डॉक्टर्स का काफ़ी संख्या में समर्थन मिला है। शिवसेना का मुझे ऑलरेडी समर्थन आज मिल रहा है। करणी सेना का मुझे समर्थन मिल चुका है, उनका भी लेटर आज आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, लगातार संगठनों की रोज कहीं ना कहीं समर्थन की बात रोज आ रही है। तो मुझे लगता है कि पूरे बरेली में जितने भी संगठन हैं अधिकतम वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक ओर भाजपा जहां पूरा जोर लगाए हुए है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत होती नजर नहीं आ रही है। संजीव सक्सेना का टिकट कटने के बाद सपा दो बार के मेयर रहे IAS तोमर को समर्थन दे रही है, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। IAS तोमर भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। तोमर सुबह सुबह कंपनी गार्डन में योग कर रहे लोगों को साधने में जुटे हैं, साथ ही भ्रष्टाचार समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। दोस्तों, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है और किसी भ्रष्टाचारी को भी छोड़ूंगा। बात रही विकास की, सबसे पहले कूड़ा प्रबंधन, पेयजल व्यवस्था, सफाई, नाले, सड़क, सबसे पहले सड़क संजय नगर वाली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।